गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस साइड अबीर सर, परसेंटेज क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही जल्दी न्यूज आ गई है, बहुत ही अच्छी न्यूज आ गई है कि हमें आईपीएम इंदौर 2025 की एग्जाम डेट पता हो गई है। नॉर्मली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कई बार फरवरी तक ये डेट कंफर्म हुआ करती थी। और मैं आपको बताऊं तो अब हम टोटली कोविड एरा के पहले वाली चीजों पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कोविड के पहले टिल 2019, मतलब 2012-13 से आईपीएम देख रहा हूं इंदौर, 2019 तक भी बिफोर 12-13 में एग्जाम हो जाया करता था। नॉर्मली सेकंड फ्राइडे ऑफ मई में हुआ करता था, फिर काफी लेट होते चला, पर इस बार डेट जल्दी भी आ गई और लगभग फर्स्ट 15 डेज के अंदर, मई के अंदर हमारा एग्जाम होने ही वाला है। तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। धारणा 12th वालों को 40 दिन लगभग मिलेंगे, हम ये मान के चलते हैं 31 मार्च तक 12th के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, तो अपना पूरा वैसा सेटअप करके रखना। तो आज हम बात करेंगे पास्ट ईयर के पेपर्स भी कैसे आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि लाइव क्लासेस बैच अब ओवर हो चुके हैं, सिर्फ कैप्सूल रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स अवेलेबल है, आप वेबसाइट पर सर्च कर लेना। बाकी आईपीएम इंदौर की टेस्ट सीरीज है भाई, इसके अंदर अप्रॉक्सिमेटली 20 फ्री बेबी मॉक्स है। तो क्या तुमने बेबी मॉक्स को देना स्टार्ट किया? बेबी मॉक का मतलब होता है कि फुल लेंथ टेस्ट होता है और 120 मिनट्स का जो FLT फुल लेंथ टेस्ट होता है इंदौर का, उससे 1/3 कर लिया, 40 मिनट्स का टेस्ट है, 1/3 पांच क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के, 10 क्वेश्चन आपके MCQ के, मैथ्स के, एंड 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, इस टाइप से डिवाइडेड रहेगा। ठीक, अब कुछ सवाल उठते हैं, तो सबसे पहले हम वेबसाइट पे भी जाते हैं, ठीक है, इंदौर की, और फिर देखते हैं कि क्या क्या और इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन है। मैंने आईपीएम इंदौर की वेबसाइट खोली, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट दिखना स्टार्ट हुई, चलो अच्छी बात है, कुछ चेंजेस आ रहा है। यहां पे लिखा हुआ है 23rd अगस्त 2024 को उन्होंने एग्जाम डेट अपडेट किया है, जो कि 12th मई 2025 है। आफ्टरनून शिफ्ट का मतलब होता है 2-3-4 बजे के आसपास, नॉर्मली 2-2.5 बजे के आसपास पेपर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये आता है, काफी बच्चे पूछते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन अभी अपडेट नहीं है, ये मैं 23rd अगस्त को ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। अब एक और सवाल आता है कि सर पैटर्न चेंज होगा? देखो, आईपीएम इंदौर ने 10-12 साल के अपने इतिहास में कभी भी पैटर्न नहीं बताया, उनका कभी पैटर्न नहीं बताते, हमें सरप्राइज रहता है। पर नॉर्मली 3 साल से पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, बीच में बहुत ऊपर नीचे हुआ था। देखो, बहुत लंबे समय तक पैटर्न चेंज सेम चल रहा था, 2019 तक, 2020, 2021, 2022 बहुत ऊपर नीचे चला, फिर 22 के बाद से वो लगभग सेम हो गया, ठीक है। तो हम मानते हैं कि इतना पैटर्न चेंज नहीं होगा, होता भी है तो आज तक तो इन्होंने कभी नहीं बताया। अच्छा, पास्ट ईयर पेपर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देखिए परसेंटाइल की, आप वेबसाइट पे आएंगे, टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज के क्लिक करके देख लेना आईपीएम इंदौर की, लगभग 20 बेबी मॉक्स हैं जो लॉन्च हो चुके हैं, तो आपको उनको अटेम्प्ट करना, स्टार्ट करना, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आपको ऑफिशियल पेपर मिल जाएंगे, जिनके थंबनेल में कट ऑफ भी लिखा रहता है, 2024 का पेपर है, अपलोड अभी नहीं हुआ है जीआईपी मेट्रो इंदौर का, ये मैं अगस्त के बात कर रहा हूँ, तो सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक तक 2024 का पेपर भी अपलोड हो जाएगा एज ए मॉक टेस्ट। एंड देखो, यहाँ पे इंदौर में सारे के सारे जो पास्ट ईयर पेपर दिए हुए हैं उसके आपको कट ऑफ गिवन है, कितने का पेपर हुआ था, कितना कैटेगरीज कट ऑफ था, ठीक है। तो पेपर अपलोड हो जाएंगे मॉक टेस्ट, तो इनके PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो गई, तो अभी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। अब हम सोच रहे हैं कि पैटर्न चेंज होगा, इतना नहीं सोचना, पर ठीक है, हमें एक दिमाग में एक सेटअप आ चुका है कब तक हमें एग्जाम को कंप्लीट करना है, कब तक हमें प्रिपरेशन कंप्लीट करनी ताकि हम एग्जाम को दे पाए, ठीक। इसी के आसपास अब एक रोहतक का सवाल आता है, रोहतक का पता नहीं कब तक एग्जाम डेट आएगा, वो जनवरी फरवरी, बट देखो रोहतक का इतिहास है, वो हर साल कोशिश करता है, हर बार कोशिश करता है कि इंदौर के रिजल्ट आने के पहले रोहतक का रिजल्ट आ जाए, इंदौर के एग्जाम से पहले पहले, मतलब बच्चे वहां पे एडमिशन ले लें। तो सबसे पहले आईपीएम जो हर साल होता है, जिसका रिजल्ट आता है, बच्चे सबसे पहले फीस भरते हैं, वो आईपीएम रोहतक होता है, ठीक है। तो हम मान के चल दें कि रोहतक भी इसी के आसपास होगा, है ना। मैंने कई बार देखा रोहतक नेक्स्ट डे एक दिन पहले भी हो जाता है, तो अभी मान चलिए कि रोहतक की डेट भी यही है, और जीआईपी में भगवान भरोसे कि कब होगा, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।